विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज से मात्र 2 दिन रह गए हैं। इसी बीच पार्टी के प्रचार के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 10 और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया और चंदौली से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में महिलाओं को जगह नहीं मिली है। पार्टी की ओर से जारी की गई इस सूची में राजेंद्र चौधरी बस्ती की रुधौली विधानसभा सीट से, महेंद्र यादव बस्ती की बस्ती सदर सीट से, परशुराम निषाद महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा सीट से, उदय नारायण गुप्ता कुशीनगर की तमकुही राज विधानसभा सीट से, राजेश प्रताप कुशीनगर की कुशीनगर सीट से, पिंटू सैथवार देवरिया की विधानसभा सीट से, विजय रावत देवरिया की बरहज विधानसभा सीट से, सुधाकर सिंह मऊ की मधुबन सीट से, जयप्रकाश अंचल बलिया की वैरिया विधानसभा सीट से, मनोज सिंह डब्लू चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम सूची में शामिल हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 24 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है। इस सूची में पूर्वांचल के जिलों की सीटों का ऐलान किया गया था। सपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी प्रत्याशी दे दिया था। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर नगर से सुभावती शुक्ला को टिकट दिया गया। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से अखिलेश यादव को मैदान में उतारा गया। अखिलेश यादव सपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और पहले भी मुबारकपुर से उतरे हैं। शुरुआत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुबारकपुर से भी लड़ने की सूचना आई थी।